आज आरती की जो ममता है अंदर वो पूरी बाहर आ गई, भड़ास निकल गया, पूरा हाथ में गन आ गई और बहुत धमाकेदार एंट्री की है आपने। फर्स्टली तो ये सीन के बारे में क्या कहेंगे, क्यों हाथ में आपके बंदूक आपको उठाना पड़ा? बंदूक तो मतलब बहुत कुछ आरती मतलब अपने लाइफ में सह के सब कुछ देख लिया, चुप रह के, रो के, रिक्वेस्ट करके। अब अगर नॉर्मल इंसान भी अगर देखा जाए तो एक इंसान गिरगिरा तब तक सकती है जब तक उसके अंदर वो क्षमता हो। अभी आरती ने सब कुछ करके देख लिया, फिर भी बच्ची के ऊपर इतना टॉर्चर कोई भी माँ नहीं सह पाएगी, तो अभी बंदूक उठा ही लिया। तो खरीदने के लिए गोश साहब आए हैं और बहुत भारी कीमत लगाई है। उससे पहले तो ले गई ना आरती, खरीद तो नहीं पाई। कुछ भी हो जाए आरती अपनी बेटी को नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन लेके तो आप नाक के नीचे से निकली हैं, लेकिन भारी कीमत तबस्सुम लगा चुकी है। दूसरी तरफ बाकी सारे सुजन वगैरह का डांस हो रहा है, तो आपको पता है तबस्सुम कैसी है, तो वो मतलब बौखला नहीं जाएगी। तबस्सुम अम्मा जैसे भी हो, अम्मा अम्मा है, और आरती जैसे भी हो आरती एक माँ है। अब जब माँ एक चंडाल ले लेती है तब शायद भगवान भी माँ से डरने लगते हैं, तो वही अभी आरती बन गई है अभी। ओके, लास्टली अबाउट द सीक्वेंस क्या कहेंगे पर्सनली, अरीना कितना एंजॉय किया? अरीना ने बहुत एंजॉय किया। अरीना ने रो बहुत ज़्यादा रो रो के, मतलब मैं लिटरली बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि इतना रोना इतना रोना इतना रोना, कैरेक्टर ही वैसा है। लेकिन आज फाइनली मुझे कुछ करने को मिला है, धमकी देने को मिला है, बंदूक लेने के लिए मुझे हिम्मत है, लोगों के सामने मैंने बंदूक लेकर आई, मैंने बहुत इंजॉय किया। प्लीज़ ये सीन ना खत्म हो, बस यही चलता रहे अभी। दैट्स इट, थैंक यू, थैंक यू सो मच अरीना, थैंक यू।